सरकार की धान खरीदी की नीतियों के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे किसान नेता। प्रदेश सरकार के धान खरीदी की गलत नीतियों के विरोध में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान ने मंगलवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। किसान नेता ने बताया कि प्रदेश सरकार की धान खरीदी की गलत नीतियों के कारण सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। कर्मचारियों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, बावजूद प्रदेश सरकार समितियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, धान का समय पर उठाव करने, शॉर्टेज समेत अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर गंभीर नहीं है। समय पर परिवहन नहीं होने के कारण शॉर्टेज की जिम्मेदारी तय करने, कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, किसानों को बीते सत्र के बारदाने की बकाया राशि तुरंत भुगतान करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर धान खरीदी की नीतियों पर बदलने की मांग की गई है। हम लोग आए किसानों की धान खरीदियों के नीतियों में कुछ फेरबदल करे सरकार करके आज राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी पहली मांग है किसानों की धान इलेक्ट्रॉनिक काटा से तौले जाना चाहिए और जो भी खरीदी हो इलेक्ट्रॉनिक काटा से तौल के खरीदी होनी चाहिए। दूसरी मांग है किसानों का बारदाना का पैसा 3 साल से नहीं मिला है, फिर से भी बारदाना की किल्लत आएगी। दूसरी मांग है, तीसरी मांग है कि किसानों का धान हमेशा 1 नवंबर से खरीदने की सरकार घोषणा करती, फिर वो दिसंबर की बात कर रही है। किसानों की धान की कटाई शुरू हो गई, किसान धान बेचना चाह रहे हैं, लोग कर्ज से लदे हुए हैं, कैसा करें। उसके अलावा सोसाइटी में जो धान का जो बराबर उठाव नहीं होने के कारण से आज भी धान सड़ते हुए पड़ा है और सोसाइटियों से रिकवरी गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है, सोसाइटी वालों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि नीतियों में फेरबदल करें और सभी सोसाइटियों को भी राहत दें और किसानों को भी उनके बारदानों का पैसा समय में दें। बेमेतरा से स्वर सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।